नमस्कार, मैं हूं ओम वर्मा, फाउंडर सत्यमेव जयते यूएसए से। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो क्लिप को जरा ध्यान से देखिए। नमस्कार, आई एम पारुल गुप्ता। जैसा कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि सत्यमेव जयते यूएसए और नवोदय क्रांति परिवार भारत मिलकर आपस में भारत में स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट 2019 का आयोजन कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हैं और ये कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए एक गूगल फॉर्म भरना होगा, जिसका लिंक अब तक व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को मिल चुका होगा, और यदि नहीं मिला है तो इस वीडियो के साथ पोस्ट में दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हमें जब हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म में दी जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी हैं। यदि आप एक भी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल नहीं करेंगे, भरेंगे नहीं, तो ये आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। फॉर्म जब हम खोलेंगे तो हमारी पहली इन्फॉर्मेशन आती है ईमेल एड्रेस। इसमें संबंधित अध्यापक अपना ईमेल एड्रेस देगा और वो ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी रेस्पॉन्स या कोई भी कम्युनिकेशन इसी ईमेल आईडी पर करेंगे। जब आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, देन आपका आता है टीचर्स नेम। यहाँ पर वो टीचर अपना नाम देगा जो उस कॉन्टेस्ट को कराने की या बच्चे को ऑनलाइन लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उस टीचर का नाम मिस, मिस्टर, डॉक्टर, अपना पूरा नाम यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। जो टीचर यहाँ अपना नाम दे रहा है, संबंधित टीचर जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे, क्योंकि हम इसी मोबाइल नंबर पर उनसे संपर्क स्थापित करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और उनसे ये डिसाइड करेंगे 24 आवर्स पहले कि कब वो 24 आवर्स में अपने बच्चे को ऑनलाइन इस टेस्ट के लिए ला सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्कूल नेम, पूरा स्कूल नाम, जूनियर हाई स्कूल जो भी आपका है। इसके बाद फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर स्कूल का। अगर कहीं स्कूल में फ़ोन नंबर नहीं है, पीएनटी नहीं है, तो ऐसी दशा में आप अपने यहाँ के इंचार्ज सहायक अध्यापक का या प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। स्कूल का पूरा एड्रेस, केवल यही नहीं कि जूनियर हाई स्कूल बिसरक या जूनियर हाई स्कूल बरौला, आप इसमें पूरा मेंशन करेंगे जूनियर हाई स्कूल वो किस ब्लॉक में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस स्टेट में है। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसका पिन कोड ध्यान से भरें, ज़रूर भरें पूरी इंफॉर्मेशन में। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल नेम, आपके स्कूल का प्रिंसिपल नेम, या अगर प्रिंसिपल कहीं अपॉइंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो भी इंचार्ज सहायक अध्यापक हैं वो उनका नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे। देन टाइमिंग ऑफ स्कूल, आपका स्कूल किस समय से किस समय तक है, 8 से 1 है, 9 से 2 है, 9 से 3 है, 10 से 4 है, 10 से 5 है, जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, इंडियन टाइमिंग आपकी अपनी यहाँ पर भरेंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता जो भी होगी पूरी भारतीय समय के अनुसार होगी, आपके स्कूल के वर्किंग आवर्स में होगी, आपके स्कूल टाइमिंग में होगी। फिर आता है आपके स्टूडेंट का नेम, जो भी आप बच्चे को प्रतिभाग करा रहे हैं, चाहे वो कक्षा 6 का हो या 7 का हो या 8 का हो, उस बच्चे का नाम ध्यान रहे, एक स्कूल से एक ही बच्चा इसमें लिया जाएगा। ये आपने तय करना है कि आपके स्कूल की 6ठी क्लास का बच्चा बैठेगा या 7वीं का बैठेगा या 8वीं का बैठेगा, लेकिन एक स्कूल से सिर्फ एक बच्चा, उसका आप यहाँ नाम देंगे। नाम देने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आप इसके साथ संबंधित आईडी लगाएंगे, वो और ये डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। इसके बाद आती है उस बच्चे की क्लास। क्लास एक बच्चे की एक ही टिक होगी, सिक्स, 7th या 8th, ऐसा नहीं है बच्चे का एक नाम है और क्लास आपने 2 टिक कर दी। इसके बाद माँ का नाम, पिता का नाम, इसके बाद एड्रेस, बच्चे का फुल होम एड्रेस विद ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड, पूरा एड्रेस कंप्लीट। देन पेरेंट्स मोबाइल नंबर, चाहे मदर का हो या फादर का हो। इसके बाद मेन आता है हमारा जो मेन पार्ट है फॉर्म का, ऐड फाइल, जिसमें हमें 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ध्यान रखें, हमें 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक बच्चे का आधार जिससे बच्चे की आइडेंटिटी वेरीफाई हो,
सेकंड देना है इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक का सहमति पत्र, दोनों मैंडेटरी हैं। अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। दूसरा जो हम आप सहमति पत्र देंगे उसमें कुछ बातें हमें मेंशन करनी है, ये जिसमें जरूरी है स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास, स्कूल का नाम, हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल का एड्रेस विद स्टेट एंड पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड पिन कोड, अगेन एंड अगेन डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड पिन कोड मैंडेटरी है। देन स्कूल फोन नंबर, टीचर फोन नंबर, और नीचे आपके हेड ये डिक्लेयर करेंगे कि वो इस प्रतियोगिता में इस बच्चे को प्रतिभाग कराने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं, और उसके नीचे उनकी स्टैम्प और साइन। ये सब सहमति पत्र आपको स्कूल के लेटर हेड पे देना है। अगर लेटर हेड अवेलेबल नहीं है तो आप A4 साइज लेकर उस पर बोल्ड मार्कर से स्कूल नेम लिखे, उसे एक लेटर हेड का रूप दे और फिर उस पर पेन से लिखकर आप इस सहमति पत्र को दे सकते हैं, लेकिन नीचे हेड की मोहर, साइन और डेट होना मैंडेटरी है। उसमें उसकी सहमति, हेड की सहमति भी हो और स्कूल का नाम और बच्चे का नाम और क्लास जरूर मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ऐड फाइल। आप आधार की और इस सहमति पत्र की फोटो पहले से ही फोन में खींच कर रखें, फिर जब हम ऐड फाइल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कैमरा और माई फाइल्स, तो आप कैमरे पर न जाकर, क्योंकि आपने फोटो पहले से ले रखी है, फाइल्स में जाएंगे और उन फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। जब आप ओपन का बटन दबाएंगे तो ऑप्शन आएगा अपलोड, आप उन दोनों फोटो के लिए अपलोड का बटन दबाएंगे। अपलोड के बाद सबमिट बटन दबाएंगे। जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो उसके बाद आप जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा आपके पास इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, और जैसे ही आपके पास ये उसमें लिखा हुआ आएगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, सेम आपका फॉर्म जो आपने भर के हमें सबमिट किया है आपकी ईमेल आईडी पर उसकी एक कॉपी पहुंच जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, अपनी ईमेल आईडी एक्टिव दे। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म में आ रही सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नवोदय क्रांति परिवार भारत के किसी भी मोटिवेटर से व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को सही भरें, दिए गए डॉक्यूमेंट ज़रूर ऐड करें। ये प्रतियोगिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। गूगल डीओ एक ऐप है, जो आपके फ़ोन में है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे, टीचर ने जो भी अपना फ़ोन नंबर दिया है, संबंधित टीचर ने जो बच्चे को ऑनलाइन लाएगा, इस प्रतियोगिता को कराएगा, वो नंबर इस गूगल डीओ ऐप पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2019 है। 11 अक्टूबर 2019 को 11:59:59 पर ये फॉर्म बंद कर दिया जाएगा। अंत में हम एक बार फिर याद दिला दें, ये प्रतियोगिता केवल और केवल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपके स्कूल का कक्षा 6 का बच्चा इस प्रतियोगिता में भाग लेगा या कक्षा 7 का या कक्षा 8 का। केवल और केवल सरकारी स्कूल का, एक स्कूल से एक ही बच्चा। ध्यान रहे, आप अपनी फॉर्म में जो ईमेल आईडी दे रहे हैं वो एक्टिव हो, फ़ोन नंबर आपका एक्टिव हो, और जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं जैसे बच्चे का आधार और प्रधानाचार्य का सहमति पत्र, वो ज़रूर से ज़रूर दें, मैंडेटरी है, अन्यथा की स्थिति में आपके फॉर्म को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो आपने आधार या संबंधित डॉक्यूमेंट्स बच्चे का इसमें ऐड फाइल में दिया है, फॉर्म के साथ सबमिट किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय आप उसे अपने साथ रखें, क्योंकि वो उस समय वेरीफाई किया जाएगा कि जो आपने हमें दिया है वो उस समय आपके पास है या नहीं, उस बच्चे का है या नहीं। आशा करते हैं कि सारी शंकाओं का समाधान इसमें हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद।